जैसा कि आप दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बात रख रहा हूँ। ये गेहूँ का खेत है हमारा, इसमें एक पौधा गेहूँसा नामक का उग जाता है, जो खेत जो गेहूँ की ही तरह सेम होता है। इसको छिड़काव कर रहे हैं हमें, इस छिड़काव से जो होगा हमारा गेहूँसा नामक पौधा वो नष्ट हो जाएगा और हमें एक साफ सुथरा सिर्फ गेहूं प्राप्ति होगी। जैसा कि आप देख रहे हो, हमें एकदम साफ सुथरा गेहूं प्राप्त होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे किसान भाई पूरी कड़ी मेहनत के साथ अपना पूरा योगदान देते हैं फसल में। इसको बोए हुए 34 दिन हो चुके हैं और 34 दिन पश्चात अब इसमें थोड़ा छिड़काव किया जा रहा है केमिकल का, जिसके कारण वो गेहूँसा नामक पौधा नष्ट हो जाएगा और हमारा गेहूँ जो है एकदम अच्छा उगेगा। हमारे किसान भाई सुबह शाम कड़ी तपस्या करते हैं और गेहूं हो, कोई सा भी अनाज हो, उसमें अपना पूरा योगदान देते हैं। मुझे यह चीज़ बोलने में आज बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरा यह सब देखना फर्स्ट टाइम है और मुझे ये मेरे द्वारा आप लोगों के पास जाए, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इस दवाई को 34 दिन पश्चात ही खेत में छिड़काव करना चाहिए। अगर उससे पहले हम कर देते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा हमारे गेहूं को। इसलिए इसको बड़ी सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए। ये दोस्तों, आज मैं आपको यह वीडियो दिखा रहा हूँ, इस दवाई को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने का विधि भी बता देता हूँ। सैनकर नाम है इस दवाई का। यह दवाई प्रति किलो कितने में, प्रति किलो हेक्टर पानी में डाला जाता है। हमारे किसान भाई ने आधा पूरा कर चुके हैं हमारे इस गेहूं के फसल पे छिड़काव। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हमारे यह किसान भाई नहीं होते तो आज जो हम अनाज खाते हैं शायद ही हम खा पाते, क्योंकि सबके किसी के बस की नहीं होती ये बात, धूप हो पर बरसात हो हर तरह का अनाज निकालना। और शायद हम लोगों में इसको तो फसल का फॉर्म ही नहीं पता होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं गौरी शंकर, थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा।